जावा में अरिथमेटिक ऑपरेशंस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में आप विभिन्न अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इनका उपयोग कैसे करें। इस ट्यूटोरियल में हम उपयोग कर रहे हैं उबंटू वर्जन 11.10, जेडीके 1.6 और एक्लिप्स 3.7। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपके सिस्टम पर एक्लिप्स संस्थापित होना चाहिए और आपको ज्ञात होना चाहिए कि एक्लिप्स में फाइल को कैसे बनाएं, सेव और रन करें। यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ ऑपरेटरों की एक सूची है और गणितीय ऑपरेशन जो वे करते हैं। धन का चिन्ह जोड़ने के लिए, ऋण का चिन्ह घटाने के लिए, एस्टरिस्क का चिन्ह गुणा के लिए और स्लैश भाग के लिए। हम प्रत्येक को विस्तार से देखेंगे। यहाँ हमारे पास बाकी कोड के लिए आवश्यक एक्लिप्स आईडी और स्केलेटन है। हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस नाम का क्लास बनाया है और मेन मेथड जोड़ा है। कुछ वेरिएबल्स जोड़ें। int x is equal to 5, int y is equal to 10, int result। x और y ऑपरेंड होंगे और रिजल्ट ऑपरेशंस के आउटपुट को संचित करेगा। उन्हें जोड़ें और रिजल्ट को प्रिंट करें। रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस y। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln पैरेंथेसिस में रिजल्ट। कंट्रोल S से सेव और कंट्रोल F11 से रन करें। हम देखते हैं कि जोड़ का आउटपुट रिजल्ट में संचित हो गया है और वैल्यू प्रिंट हो गई है। अब वैल्यूज बदलें। X is equal to 75, Y is equal to 15। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि आउटपुट उसी तरह बदल गया है। अब ऋणात्मक वैल्यूज जांचे। y is equal to minus 25। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि 75 प्लस माइनस 25 का आउटपुट प्रिंट हो गया है। अब घटाव y is equal to 5 जांचें और x plus y से x minus y में बदलें। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि 75 minus 5 का आउटपुट प्रिंट हो गया है। अब गुणा का अभ्यास करें। ऋण को एस्टरिस्क में बदलें। सेव और रन करें। हम देखते हैं कि एस्टरिस्क का उपयोग करके हम 75 द्वारा 5 का गुणा कर सकते हैं। अब भाग का अभ्यास करें। एस्टरिस्क हटाएं और स्लैश टाइप करें। सेव और रन करें। जैसा कि हम देख सकते हैं, आउटपुट अपेक्षित है। अब देखते हैं कि क्या होता है जब अपेक्षित परिणाम दशमलव बिंदु संख्या है। 5 से 10 बदलें। परिणाम 7.5 होना चाहिए, अतः रिजल्ट को फ्लोट में बदलें। सेव और रन करें। ध्यान दें, हालांकि अपेक्षित परिणाम 7.5 है, हमें आउटपुट 7.0 प्राप्त होता है।
यह इसलिए क्योंकि भाग में शामिल दोनों ऑपरेंड इंटीजर हैं। y को फ्लोट में बदलें, y is equal to 10f। सेव और रन करें। अब हम देख सकते हैं कि परिणाम अपेक्षित है। ध्यान रखें कि जब अपेक्षित परिणाम एक फ्लोट है, तो अपेक्षित परिणाम पाने के लिए एक ऑपरेंड फ्लोट होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या होता है जब यहाँ एक से अधिक ऑपरेटर होते हैं। सभी ऑपरेंड्स को हटाएं। Int result is equal to 8 plus 4 minus 2. Save और run करें। हम देख सकते हैं कि output अपेक्षित है। अब ऋण को slash में बदलें। अब आउटपुट 6 होगा यदि जोड़ को भाग से पहले किया जाता है, या यह 10 होगा यदि भाग को जोड़ से पहले किया जाता है। रन करें और आउटपुट देखें। हम देख सकते हैं कि आउटपुट 10 है और भाग जोड़ से पहले किया गया है, क्योंकि भाग का ऑपरेटर धन के ऑपरेटर से अधिक प्रीसिडेंस है। ऐसी स्थितियों में यदि हमें प्रीसिडेंस ओवरराइड करने की आवश्यकता है, हम पैरेंथेसिस का उपयोग करते हैं। पैरेंथेसिस को जोड़कर हम जावा को भाग से पहले जोड़ने के लिए निर्देश देते हैं। अब फाइल को रन करें। हम देख सकते हैं कि जोड़ पहले होता है और अपेक्षित आउटपुट 6 है। नियम के अनुसार पैरेंथेसिस का उपयोग ध्यान में रखें जब ऑपरेशंस का क्रम स्पष्ट नहीं है। यह हमें इस ट्यूटोरियल के अंत में लाता है। हमने सीखा जावा में सामान्य गणितीय ऑपरेशंस को कैसे कार्यान्वित करें, ऑपरेटर प्रीसिडेंस और इन्हें कैसे ओवरराइड करें। इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रूप में पता करें मॉड्यूलो से क्या तात्पर्य है और यह क्या करता है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध ट्यूटोरियल देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-intro। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यह सूरा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।